हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के पहले दो एग्जांपल दिए हैं आपके, जो 8 और 9, ये भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जो है एक्सरसाइज 3.2 पे आएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसकी वैल्यू हमको निकालना है साइन 31 पाई बाई 3, इसकी वैल्यू हमको निकालना है। तो हम लोग केवल एक क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको करना सीखेंगे, कि अगर एक क्वेश्चन कर लिए तो कोई भी क्वेश्चन हम लोग कर सकें। हम लोग जानते हैं कि जो साइन या कास होता है 2 पाई इंटू एन प्लस एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारा, साइन एक्स। ये क्या है इसका मतलब, कि साइन किसी साइन के कोण में 2 पाई का, और एन हमारा क्या होता है, एन हमारा इंटीजर होता है, एन इंटीजर, कि किसी भी कोण में 2 पाई का पूर्ण गुणज अगर आप जोड़ें तो हमारा वही वैल्यू मिल जाता है जो एक्स का होता है। चलिए इसको जो है हम लोग एक बार पुनः रिकॉल कर लेते हैं, जिससे आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए कि ये सच में ऐसा ही होता है। ये पी पॉइंट हम लोगों का था, जो यूनिट रेडियस का ये सर्किल हम लोगों ने बनाया था, ये कोण एक्स हो गया और ये 90। ठीक है, अब हम लोग कोण जब एक्स लेते हैं तो इस पॉइंट पी के जो निर्देशांक होते हैं वो हमारे साइन और कॉस की वैल्यू बताते हैं। अगर आपको कोई कहे कि कोण एक्स प्लस 2 पाई, तो इतना चले तो कितना पहुंचे, कोण एक्स, अब 2 पाई और चलना है, तो उसी पॉइंट से एक चक्कर घूम के जब वहां पे पहुंच जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस एक्स, यानी जो हमारा कोण एक्स की जो वैल्यू थी वही हमारा क्या है, 2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू होती है, कब, साइन और कास के लिए। अच्छा 2 पाई प्लस एक्स हो गया, अगर इसमें 2 पाई और घूमे, चलिए 2 पाई और घूमे, तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, 4 पाई प्लस एक्स। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि साइन 2 पाई का पूर्ण गुणज हो प्लस एक्स हो, तो उसको हम लोग सीधा सीधा क्या लिख देते हैं, साइन एक्स। और ये नेगेटिव के लिए भी होता है, अगर हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे एक्स कोण है, अगर इसमें 2 पाई घटा दें, हम लोग 2 पाई घटा दें यानी माइनस में अगर हम लोग 2 पाई चलें तो हम लोग फिर वहीं पे पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब होता है कि जो एक्स की वैल्यू होती है वही हमारा एक्स माइनस 2 पाई की वैल्यू, वही एक्स माइनस 4 पाई की वैल्यू, और वही हमारी एक्स प्लस 2 पाई, एक्स प्लस यानी किसी भी कोण में 2 पाई का पूर्ण गुणज, ठीक है, आप जोड़ दें या 2 पाई का पूर्ण गुणज घटा दें तो हमारे साइन और कास की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये हम लोग जो है बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोगों के पास जो हमारा है साइन 31 पाई बाई 3, साइन 31 पाई बाई 3, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 31 पाई बाई 3 का मतलब क्या हो गया, 31 में अगर 3 से आप डिवाइड करें, 3 ये 1, तो ये हमारा हो जाएगा 31 बराबर, हम लोग क्या ले सकते हैं, 10 तो हमारा पूरा पूरा आ गया, और 10 प्लस 1 बाई 3 पाई। ठीक है, यानी ये जो हमारा साइन 31 पाई बाई 3 है, इसको हम लोग 31 को क्या लिख दिए, 10 पाई प्लस पाई बाई 3। ऐसा करने का हमारा मकसद क्या है कि हम लोग 2 पाई का गुणज अलग करना चाहते हैं और जो कोण बचेगा उसको अलग करना चाहते हैं। तो ये 10 पाई हमारा 2 पाई का गुणज है, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, 2 पाई गुणे 5 प्लस पाई बाई 3। अब साइन 2 पाई एन प्लस एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स हो जाता है, यानी साइन किसी भी कोण में साइन के 2 पाई का गुणज जुड़ा हो या घटा हो तो उसकी वैल्यू साइन एक्स हो जाती है। तो इसकी वैल्यू सीधा सीधा क्या हो जाएगी, साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो हमारा आंसर क्या हो गया, √3/2। ये सिंपल सा क्वेश्चन हम लोगों का। तो अभी कुछ फार्मूले हम लोग देखेंगे, उसके बाद इन सब टाइप के और टिपिकल क्वेश्चन थोड़ा करेंगे, लेकिन इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये हम लोगों का है कि 2 पाई का पूर्ण गुणज हम लोग प्लस या माइनस में
अलग कर लेते हैं और एक छोटा एंगल मिल जाता है, और उस छोटे एंगल की वैल्यू हम लोग 0 से 2 पाई तक की वैल्यू जो है हम लोग तो निकाल ही सकते हैं। तो इससे हमारा निकल जाता है। ये एक क्वेश्चन ये हो गया, और एक क्वेश्चन और है हमारा 9, ये हम लोग देखते हैं। इसमें भी वही हमारा, वहां पे एंगल क्या था, पाई में था, यहाँ पे एंगल क्या है, डिग्री में। तो हम लोग पढ़ते हैं कि साइन 2 पाई n या 2n पाई प्लस x बराबर हमारा क्या होता है, साइन x होता है। तो यही चीज तो हमारा उसके लिए भी अप्लीकेबल है ना, कि अगर हमारा साइन 360 इंटू एन प्लस एक्स हमारा कोण हो, तो ये सीधा सीधा हमारा क्या हो जाएगा, साइन x हो जाता है। यानी ये भी वही क्या है, 2 पाई गुणे n, यानी 2 पाई का गुणज जोड़ा या घटाया गया हो आपका। यानी तो वहां पे जैसे हम लोग देखे थे कि 2 पाई का गुणज प्लस कोण लिखे, यहाँ 360 का गुणज प्लस कोण लिखने की कोशिश करेंगे। और ये हमारा साइन और कास दोनों के लिए होता है, ये हमारा कास के लिए भी होता है, वही 2 पाई n प्लस x इक्वल टू cos x, या cos 360 डिग्री इंटू एन प्लस एक्स हमारा हो, तो ये हमारा सीधा सीधा क्या हो जाता है, cos x। अब हम लोग जो वैल्यू निकालते हैं उसको आते हैं, cos -1710 डिग्री। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, 360 का मल्टीपल जो है जोड़ देंगे, तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, cos 360 इंटू, अच्छा कितना करें हम लोग कि ये 360 इंटू, देखिए 362 इंटू अगर हम लोग 4 करें तो 4 ये 1440 हो गया। तो 360 इंटू 4 करेंगे तो 1440 -1710, तो माइनस में आ जाएगा। तो हम लोग वो नहीं चाहते, प्लस में लाना चाहते हैं। तो 5 से अगर करें, 360 इंटू 5 अगर ऐड करें तो 3 ये 1800 हो जाएगा, यानी 1800 -1710 हो जाएगा, यानी 360 इंटू 5, यानी 360 इंटू 5 कितना हुआ हमारा, 1800 और -1710 डिग्री। ये हम लोग क्यों कर पाए कि किसी भी कोण में हम लोग जो है 360 का गुणज जोड़ या घटा सकते हैं। तो -1710 हमारा था, 360 इंटू 5 हम लोग क्या किए, जोड़ दिए, तो वैल्यू बदलती नहीं, क्योंकि 360 इंटू n प्लस x इक्वल टू cos x होता है और साइन x होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 360 का उतना गुणज करेंगे कि हमारा जो वैल्यू आ जाए, एंगल वो छोटा एंगल हो जाए। तो ये हमारा इक्वल टू हो गया cos 1800 -1710, और 1800 में से 1710 हम लोग घटाएंगे तो cos 90, और cos 90 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, cos 90, या हमारा ये क्या हो जाएगा, सीधा cos π/2। दोनों की वैल्यू आप पाई, जो 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, π/2, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो कुछ बेसिक वैल्यूज जो है आपको तो याद ही रहनी चाहिए। तो कुछ बेसिक वैल्यूज जो है यहाँ पे जो है आपका चार्ट जो है बना दे रहे हैं, ये याद रहना चाहिए। 0, 30, 45, 60, 90 sin cos 10। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, या इसको हम लोग अगर रेडियन में बोलें तो ये π/0 होगा, 0 रेडियन, और ये क्या होगा हमारा, π/6 रेडियन, ये π/4 रेडियन, ये π/3 रेडियन, ये π/2। तो ऐसे भी दोनों वैल्यूज आप याद रखिए। डिग्री को रेडियन में बदलना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 180 डिग्री हमारा क्या हो जाता है, π रेडियन। 1 डिग्री बराबर हमारा क्या हो जाता है, π/180 रेडियन। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0 की वैल्यू sin 0 होती है, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, और इसकी वैल्यू √3/2, और sin 90 की वैल्यू 1। अगर आप एक टर्म याद रखें कि sin 0 अंश 0, 30 अंश 1/2, 45 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 91,
तो इसको उल्टा करते चले जाएं, ये कास की वैल्यू हो जाती है, यानी ये यहाँ से जो 90 है यहाँ से ये 1 हो गया, ये √3/2 हो गया, ये 1/√2 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 0 हो गया। तो ये साइन का ये याद है, तो ये उल्टा करके लिख दो तो ये कास का हो जाता है, और साइन बटा कास कर दो तो टेन का 0/1, 0 1/2/√3/2, तो 2 2 खत्म हो जाएगा, 1/√3, ये 1√3 और 1/0 ये क्या हो गया आप परिभाषित। तो आपको केवल कितना याद रखना है, 0 अंश की वैल्यू 0, पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2, पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, पाई बाई 3 की √3/2, और 90 की यानी पाई बाई 2 की वैल्यू 1, इसका उल्टा लिख देंगे, ये कास हो जाता है हमारा, और साइन बटा कास हमारा क्या हो जाता है टेन हो जाता है। अगला हमारा क्या आता है काट होता है, तो 1/0 ये क्या हो जाता है अनंत अपरिभाषित, 1/√3 का उल्टा करेंगे √3, 1/1 का उल्टा 1, इसका 1/√3, और 1/∞ का मतलब 0। तो सारी वैल्यू सेक सेक हमारा क्या होता है कास का उल्टा हो जाता है, कास 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा 1/0, यानी इनफाइनाइट अपरिभाषित। और अगला हो गया हमारा कोसेक, साइन 1/0 क्या हो गया अपरिभाषित, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। तो ये हमारा साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक 0 30 45 60 90 की वैल्यू हो गई। बस अगर आप एक वैल्यू याद रखें, साइन 0 0, साइन 30 1/2, 45 1/√2, साइन 60 √3/2, 91, तो कोई भी वैल्यू आप 1 सेकंड 5 6 7 सेकंड में निकाल सकते हैं। कॉस वाला उल्टा हो जाएगा और टेन हमारा डिवाइड करने पर हो जाता है, काट हमारा टेन का उल्टा, सेक हमारा कास का उल्टा, कोसेक हमारा जो है साइन का उल्टा। तो इस टाइप का कोई भी आगे चल के हम लोग काफी क्वेश्चन इन सब टाइप का करेंगे, लेकिन जो बेसिक पॉइंट यूज हुआ हम लोगों का कि साइन या कास के किसी भी डिग्री में आप 2π का गुणज जोड़ दें या 2π का गुणज घटा दें तो उसकी वैल्यू वही रहती है, यानी 2πn+x=sin x, या cos 2πn+x=sin x, यानी 2π का पूर्ण गुणज जोड़ने। तो ये हमारा साइन 31π/3 था, तो ये हम लोगों ने डिवाइड किया, तो ये 10+1/3π, यानी 10π+π/3। अब 10π हमारा क्या है, 2π/5 है प्लस पाई बाई थ्री, तो 2π/5 जुड़ा है, या इसको हटा देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये साइन पाई बाई थ्री, और साइन पाई बाई थ्री की वैल्यू हमको पता है सीधा। ऐसे ही हमारा हो गया कास -1710 10 डिग्री, तो 360 का गुणज हम लोग इसमें जोड़ या घटा सकते हैं। तो 360 का गुणज इस हिसाब से हम लोग जोड़ेंगे कि इसकी वैल्यू जो है छोटे एंगल में आ जाए। तो 360 × 4 हम लोगों ने किया था, तो ये कितना आया था 1440, तो ये 1440, तो ये अगर 360 × 5 करें तो 1800 डिग्री, 1800 हो जाता है। तो 360 × 5 हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया, तो 360 × 5 -1710, तो ये 1800 डिग्री -1710, ये हमारा क्या हो गया सीधा सीधा 90, cos 90 की वैल्यू 0।